हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 21 जून के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 21 जून को। और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है शांति के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर योग दिवस मनाया? तो इसमें आंसर आएगा देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से स्टार्ट हुआ है, और सबसे पहला योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मनाया, दूसरा चंडीगढ़ में, और तीसरा लखनऊ में, और अब चौथा देहरादून में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2018 की विजेता कौन चुनी गई है? तो इसमें आंसर आएगा अनुकृति वास। अनुकृति वास तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है, और मुंबई में आयोजित हुई इस कॉन्टेस्ट में हरियाणा की रहने वाली मीनाक्षी चौधरी फर्स्ट रनर अप बनी, और अनुकृति वास को मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने ताज पहनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में बांग्लादेश सेना के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा अजीज अहमद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य संचालन अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा संदीप बख्शी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय डाटा सेंटर को 5 लाख वर्चुअल सर्वरों की क्षमता के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित करेगी? तो इसमें आंसर आएगा भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्लिंगटन काउंटी वर्जीनिया में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नाम के द्वारा जाना जाता है? तो इसमें आंसर आएगा पेंटागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस देश के पास है? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका के पास। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को पहली बार लोगों के सामने प्रदर्शित किया। यह सुपर कंप्यूटर 200 पेटाफ्लॉप्स पर काम करता है और 1 सेकेंड में 2 लाख ट्रिलियन गणनाएं करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली और स्मार्ट सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसमें आंसर आएगा उसका नाम है सुमित या समित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-17 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा सहायता प्राप्त है? तो इसमें आंसर आएगा विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध दवा कंपनी कौन सी है? तो इसमें आंसर आएगा सन फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रशमोनी हाल ही में कमीशन किया गया एक गश्ती जहाज है, इसे निम्नलिखित में से किसके तहत कमीशन किया गया? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय तटरक्षक के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसेवा इंदर 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में होगा? तो इसमें आंसर आएगा त्रिसेवा इंदर 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना व संचार तकनीक के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है, इसे निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है?
तो इसमें आंसर आएगा इसे आईआईटी खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रव्यापी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट सेंसस किसके तहत विकसित की गई है? तो इसमें आंसर आएगा नेशनल हेल्थ रिसोर्स रिपोजिटरी परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्रियों का एक उप समूह गठित किया है, इस उप समूह के संयोजक का क्या नाम है? तो इसमें आंसर आएगा इसके संयोजक है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथेस में आयोजित इंडिया ग्रीक बिजनेस फोरम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसमें आंसर आएगा रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आतंकवाद और साइबर सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा इटली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2018 के तहत किस शहर को सिटी अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा सिटी अवार्ड 2018 के लिए सूरत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा आई हरियाली नामक ऐप शुरू की गई है? तो इसमें आंसर आएगा आई हरियाली ऐप पंजाब राज्य द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर को 100वीं स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा शिलोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा 20 जून को। और इस बार की थीम है नाउ मोर देन एवर वी नीड टू स्टैंड विद रेफ्यूजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी डोपिंग पर अंतर सरकारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो इसमें आंसर आएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे ज्यादा अरबपतियों की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? तो इसमें आंसर आएगा जेफ बेजोस को। और जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के फाउंडर है और इस लिस्ट में भारत में मुकेश अंबानी सबसे ऊपर है। विश्व भर के धनी लोगों में मुकेश अंबानी को 19वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है? तो इसमें आंसर आएगा इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 481 रन 481 रन बनाए हैं और ये रन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसमें आंसर आएगा अरविंद सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के चौथे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने पहली बार सूर्य के समान तारे के चारों ओर घूमते हुए दूर के ग्रह की खोज की है, ग्रह का नाम क्या है? तो इसमें आंसर आएगा ग्रह का नाम है एपिक। भारतीय वैज्ञानिकों ने शनि जितने बड़े एक ग्रह की खोज की है और वैज्ञानिकों ने यह खोज स्वदेशी तकनीक से बने PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च की मदद से की है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें
फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।